नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। आपको ज्ञात ही होगा, सोमवार की देर शाम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पांडेपट्टी इलाके में गोलीबारी की घटना हुई। यह घटना युवाओं के दो पक्षों के बीच आपसी रंजिश के कारण पैदा हुई, उत्पन्न स्थिति के कारण गोलीबारी में तब्दील हो गया। घायल निहाल मुसाफिरगंज का रहने वाला है, उसे पेट और हाथ में गोली लगी है, गोली फंसी हुई है। उपचार के लिए उसे सदर अस्पताल से विश्वामित्र नर्सिंग होम ले जाया गया। वहां पुलिस ने उसे पूछताछ की, पूरा घटनाक्रम खुल नहीं पाया, लेकिन आज मंगलवार को जब उसके साथियों से बात हुई तो पता चला वहां विवाद विकास और अभिषेक नाम के दो युवकों के बीच था। निहाल का बयान भी हमें प्राप्त हुआ है, जिसमें उसने बताया है अनिकेत नाम के युवक ने उस पर गोली चलाई है। लेकिन इससे पहले हम आपको चिकित्सक की राय बता देते हैं उसके साथ क्या हुआ है। और जो बुलेट है वो दाएं साइड एब्डोमिन में जाके फंसा हुआ, लोअर इलिक फोसा में बल्कि फंसा हुआ है, और अंदरूनी तो वो है, प्रॉब्लम है पेशेंट। हाँ, हम लोगों ने रेफर कर दिया पेशेंट को। जैसा कि हमने आपको बताया, निहाल फिलहाल ट्रामा सेंटर वाराणसी में दाखिल है, उसका ऑपरेशन आज मंगलवार को होना है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है ऑपरेशन सफल होगा, वो अभी होश में है। उसका एक बयान हमारे पास आया है जिसमें वह बता रहा है अनिकेत नाम के युवक ने उस पर गोली चलाई है। यहाँ आपको बहुत ही ध्यान से सुनना होगा। अनिकेत गोली चलाया था, मेरे दीपक आया था हॉस्पिटल में बक्सर, मेरे का इलाज कराना, मेरा अनिकेत गोली चलाया। इस बयान को सुनने के बाद स्पष्ट हो जाता है निहाल के ऊपर गोली अनिकेत नाम के युवक ने चलाई है। हालांकि अनिकेत और निहाल दोनों ही इस मामले से सीधे तौर पर नहीं जुड़े हुए हैं, जैसा कि लोग बता रहे हैं। हालांकि पूरी सत्यता क्या है यह तो अनुसंधान के बाद पता चलेगा, लोग अपना पक्ष रखते हैं। लेकिन इस बीच यह पता चला है दीपक नाम का युवक जो घायल को उपचार कराने के लिए साथ लेकर गया है, वह मित्र है, उसके परिजनों को पुलिस ने हिरासत में ले रखा है। हालांकि इस बारे में DSP ने किसी को हिरासत में लिए जाने की बात से इनकार किया। का लड़का है मुसाफिरगंज के, अपने दोस्त जयप्रकाश के घर गया था, वहीं पर ही सबको वहीं पर लड़कों सबसे विवाद हुआ है, उसी में गोली चलाया है, जिसमें इसको गोली लग गया है और जख्मी है। हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। गिरफ्तारी हुई है? नहीं, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस पूरे घटनाक्रम पर नज़र डालने के बाद यह पता चलता है युवाओं के दो पक्ष के आपस में भिड़ जाने के कारण यह स्थिति पैदा हुई। इस मामले में एक युवती का बयान भी मीडिया में आया है जो बता रही है विकास और अभिषेक के बीच विवाद था। वैसे पूरा सच क्या है, आगे पुलिस की जांच में क्या खुलकर सामने आता है, इसे हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। आप देख रहे हैं बक्सर खबर। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।